वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी डिजिटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको एक बार ट्राई करना आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब बात आती है कि ये तो हमें पता है इतने नंबर का आएगा, ये आएगा, बट बढ़े कहाँ से? सी टेट से जो लेवल होता है एच टेट का वो ज़्यादा होता है, और हमें सी डी पी में भी जो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं चैनल बताऊँ मैंने कहाँ से पढ़ा था, हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर टीजीटी साइंस। एचटेट एग्जाम में टीजीटी साइंस को कैसे क्लियर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट वे क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो पिछले साल टीजीटी एग्जाम्स हुए थे हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर, हरियाणा डिपार्टमेंट में, उनका जो प्रॉपर फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है, और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ की हो भी चुकी है, ठीक है, मतलब प्रोसेस जो है वो चल रही है। उसके बाद अभी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है हरियाणा गवर्नमेंट में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रिलीज़ हो गया है। तो सिंपल सी बात यह है कि एलिजिबिलिटी अगर आप जानना चाहते हैं, कि अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको एचटेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आप टीजीटी लेवल पे बनना चाहते हैं तो टीजीटी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, पीजीटी पे बनना चाहते हैं तो पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अब आपको पता है टीचिंग जो सेक्टर होता है उसमें वैकेंसीज इतनी फ्रिक्वेंटली हर साल आई ज़रूरी नहीं होती है, तो जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो आपको क्लियर करके रखनी चाहिए, कि जब भी वैकेंसीज आए तो आप उसमें ये ना हो कि मेरी क्वालिफिकेशंस की वजह से या फिर कुछ एलिजिबिलिटी टर्म्स की वजह से मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मेजर सेटबैक हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऐसा ही एग्जाम है एचटेट एग्जाम। तो बेसिकली एचटेट एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो अगर आप हरियाणा डिपार्टमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो उसको क्लियर करना बहुत मैंडेटरी है। और ये एग्जाम हर साल होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम हर साल होता है, हर साल दिसंबर में आपको एग्जाम देखने को मिलता है, अक्टूबर के एंड तक या नवंबर की स्टार्टिंग में इसके जो नोटिफिकेशन है वो आता है, ठीक है। अगर आप वेट करें नोटिफिकेशन का, तो कि नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा मत करिए, बिकॉज नोटिफिकेशन के एक मंथ के अंडर अंडर तो एग्जाम करा के रिजल्ट भी दे देता है एचटेट, मतलब बहुत फास्ट पेस में चीज़ें चलती हैं एचटेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये टीजीटी साइंस का जो एग्जाम है मैंने पर्सनली क्लियर किया है, मैंने पीजीटी केमिस्ट्री एंड टीजीटी साइंस क्लियर किए दोनों 2023 के अंदर, मतलब पिछले ही साल। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने 15 डेज़ के अंदर, मैं बोलूँ 15 डेज़ तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 15 डेज़ के अंदर ही मैंने टीजीटी साइंस एंड पीजीटी केमिस्ट्री दोनों की प्रिपरेशन की थी। एंड मैंने कोई भी जो पेड कोर्स है वो मैंने परचेज नहीं किया, ना मैंने कोई पेड पी मतलब पेड मैंने कुछ भी नहीं लिया, जो फ्री में क्लासेस थी यूट्यूब पर मैंने वही यूज़ की थी, और उन्हीं के थ्रू मैंने क्लियर किया था फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। तो वही चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो विदाउट डिले अभी आज का जो वीडियो बेसिक जो चीज़ है वो स्टार्ट करते हैं, और अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें नहीं पता होती बच्चों को पहली बार जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एचटेट टीजीटी साइंस की, मतलब अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको 6 to 8 क्लासेस के लिए तो आपको जो टीजीटी साइंस है वो क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। अब जो एचटेट एग्ज़ाम होता है वो 3 लेवल पे होता है, बेसिकली लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थ्री, तो वो सब आपको पता होंगे। तो ये बेसिकली जो टीजीटी वाला होता है ये हमारा लेवल सेकंड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो एचटेट का एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से आपको 90 मार्क्स होते हैं वो लाने होते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स जो होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं आपके, 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। सो जो आपका एचटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जनरल पेपर एंड सब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, जनरल पेपर में आपके पास 3 पार्ट आते हैं, पार्ट फर्स्ट जिसमें आप सीडीपी पढ़ते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सेकंड पार्ट में आप पढ़ते हो लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी आती है, एंड थर्ड पार्ट में आप पढ़ते हो जो आप रीजनिंग आती है उसमें, मैथ आता है एंड हरियाणा जीके, और करंट अफेयर आती है, बेसिकली हरियाणा जीके और करंट अफेयर आती है।
ठीक है। और पार्ट फोर आता है जिसमें आपका सब्जेक्ट बेस्ड आता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जो सीडीपी होती है वो 30 मार्क्स की होती है, 30 नंबर की सीडीपी आती है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों, ये दोनों भी 30 मार्क्स की होती है। एंड रीजनिंग मैथ एंड ये जो जीके वाला पोर्शन है ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है। तो बेसिकली 90 मार्क्स आपके जनरल सेक्शन से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो एक ही ईयर में पीजीटी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, लेवल फर्स्ट वाले एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, टीजीटी एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, तो जनरल पेपर आपका एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। और वहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से प्रिपरेशन की नीड होती है, ठीक है। और फिर ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं जो 60 मार्क्स के आते हैं। तो चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है। अब बात आती है कि ये तो हमें पता है इतने नंबर का आएगा, ये आएगा, बट बढ़े कहाँ से? तो जो मैंने सोर्स फॉलो किए मैं आपको बताती हूँ। देखो, सीडीपी के लिए अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपने लेट्स लर्न हिमांशी मैम से पढ़ा होगा, लेकिन एचटेट एग्ज़ाम के लिए वो सीडीपी थोड़ी सफिशेंट नहीं होती है। या फिर जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, पियाजे थ्योरी हो गई, या फिर जो भी कोहलर्स थ्योरी, वट एवर जो हम पढ़ते हैं, वो सफिशेंट नहीं होती है एचटेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके सीटेट से जो लेवल होता है एचटेट का वो ज़्यादा होता है, और हमें सीडीपी में भी जो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं चैनल बताऊँ मैंने कहाँ से पढ़ा था, एक टीचिंग गोल करके चैनल है, ठीक है, टीचिंग गोल करके चैनल है। ज़्यादा उनके फॉलोअर्स अभी नहीं है, इतना पॉपुलर चैनल नहीं है, 32 के अराउंड अभी एट प्रेजेंट उनके सब्सक्राइबर काउंट है। बट मैंने उन्हीं से पढ़ा था एंड काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में आया था। मैंने कोई नोट्स उनके परचेज नहीं किए थे, उनके पेड नोट्स ही मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं नोट्स परचेज करना तो उनके कर सकते हैं, ये कोई प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं करी, बट मैंने कोई नोट्स उनके परचेज नहीं किए थे। मैंने सिर्फ उनके यूट्यूब वीडियोस देखे थे और उन जो वीडियोस वो पढ़ा रही थी उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था, और स्क्रीनशॉट का मैंने फिर पीडीएफ बना के खुद से कंपाइल करके मैंने स्टडी की थी। तो मैंने कोई पेड पीडीएफ नहीं लिया था, मैंने बस उनके वीडियोज़ देखे थे, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। अब तो मैंने सीडीपी यहाँ से प्रिपेयर की थी और 1.5 की स्पीड में देख के मैंने जल्दी जल्दी, मतलब 1-2 दिन में पूरी सीडीपी फिनिश करवा ली थी, और फिर उनके स्क्रीनशॉट लिए थे क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाए थे, और स्क्रीनशॉट को फिर मैंने रिवाइज करा 2 से 3 बार। क्योंकि एक आइडिया लेना होता है आपको ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना होता एचटेट में, ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, और वो आइडिया हो जाएगा आप एक बार वीडियो देखेंगे उससे, और उसके बाद 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो खुद की कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये फॉलो किया था। दूसरा एक अचीवर्स एकेडमी है, निशा मैम पढ़ाती हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड उनके पेड कोर्सेज भी आते हैं, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो वर्किंग है या जॉब कर रहे हैं, या फिर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें कहाँ से करें, तो आप उनका पेड कोर्स ले सकते हैं। बट मैं बोलूँगी एचटेट एग्ज़ाम फ्री में क्लियर हो सकता है यूट्यूब से ही ओनली। मैंने टीचिंग गोल जो टीचर पढ़ाती है, जो मैम पढ़ाती है, उनसे पढ़ के सीडीपी मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने निशा मैम से नहीं पढ़ा था, बट जो भी आप रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं या फिर एचटेट की इंडस्ट्री में उनका चैनल काफ़ी बड़ा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। तो मैं यहाँ पे दो आपको सोर्सेज बता दे रही हूँ इनके, एक टीचिंग गोल चैनल है और एक है अचीवर्स अकेडमी, अचीवर्स अकेडमी बाय निशा मैम, ठीक है। तो ये आप दोनों चैनल थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं, निशा मैम, राइट। नेक्स्ट बात आती है पार्ट सेकंड की, इंग्लिश एंड हिंदी। देखो, इंग्लिश एंड हिंदी में पिछले साल कुछ झमेला हो गया था। क्या झमेला हुआ था? बेसिकली 15 मार्क्स की आती है इंग्लिश एंड 15 मार्क्स की आती है हिंदी, ठीक है। 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 15 मार्क्स की हिंदी आती है। तो सीटेट एग्जाम आपने देखा होगा, तो सीटेट एग्जाम में पता है क्या होता है कि जो हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे, समझा दूंगी, और आप नहीं मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना आप भी, ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश भी आपकी 15 मार्क्स की आती है एंड हिंदी भी आपकी 15 मार्क्स की आती है। सीटेट एग्जाम में होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है जिसके आपको आंसर देने होते हैं, तो आपके इजीली 8 से 9 नंबर उस पैसेज से बन जाते हैं, है ना। लेकिन एचटेट एग्जाम में क्या होता है, पैसेज नहीं आता है, प्रॉपर ग्रामर आती है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल होगी इस ब्लैंक में, सिनोनिम एंटोनिम से आ जाएंगे, या फिर आर्टिकल बेस्ड कोई एरर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो पिछली बार एचटेट ने अपना सिलेबस दिया, आज से पहले कभी भी एचटेट ने अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया था। 2023 में फर्स्ट टाइम उन्होंने सिलेबस रिलीज किया, और उसमें उन्होंने ये बोला कि इंग्लिश और हिंदी में हम पैसेज देंगे, पैराग्राफ देंगे। तो बच्चों ने सोचा कि पैराग्राफ आएंगे तो ठीक है, वहाँ से अच्छे खासे नंबर हमें मिल जाएंगे, ग्रामर पर इतना हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में उनको सरप्राइज मिल गया, और क्या सरप्राइज मिल गया, पैसेज पैराग्राफ नहीं आए, पूरी ग्रामर आई थी। तो यहाँ पे 30 नंबर पे आप समझ रहे हो, एक एक नंबर पे कहानी बदल जाती है। तो यहाँ पे 30 नंबर की बात हो गई, जो बच्चे सोच रहे थे कि 15 से 20 मार्क्स हम पैसेज से पैराग्राफ से बना बना लेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो एक दो हम तुक्के उक्के लगा के ग्रामर भी कर लेंगे, तो 20 मार्क्स तक वो यहाँ पे सोच के चल रहे होंगे। लेकिन फिर पैराग्राफ नहीं आया, ठीक है, तो ये थोड़ा कंसर्न हो गया था। तो बेशक एचटेट ने सिलेबस रिलीज कर दिया है, तो बट आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, तो देखो मैंने इसकी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की, कि क्योंकि सिंपल सी बात एक तो ये होती है, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि पैराग्राफ तो आएगा तो उतना मैं कर लूँगी, ठीक है। और थोड़ा जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ साथ में टीचिंग एग्जाम्स की ये क्वालिफाइंग एग्जाम दे देते हैं, तो उनको इंग्लिश की करने की नीड होती ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश, वहाँ पे वो ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, सब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही टीचिंग ओरिएंट हैं, और यहाँ इस पोर्शन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, PYQ से करेंगे आप, ठीक है। PYQ से प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, आपने एचटेट का PYQ लगाया और उसमें आपने देखा कि प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा सिनोनिम एंटोनिम वगैरह आ रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ आ रही हैं, उसमें देखा टेंथ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो रूल्स यहाँ इस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। तो आप सिंपली PYQ करो, और वैसे भी सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश बहुत वास्ट है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, तो हम हर चीज़ तो कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन PYQ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, वोकैब करने के लिए ब्लैक बुक एक बुक है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वोकैब है, बहुत ज़्यादा, तो इतना हम नहीं करेंगे, उसमें टॉप 200 दे रखे हैं, टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, टॉप 200 सिनोनिम एंटोनिम, ऐसे टॉप 200 एडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो ये ओनली टॉप 200 आपको करना है, क्योंकि टॉप 200 ही होते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं DSSSB के एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाला है, अगर आपने फिल कर रखे हैं तो इंग्लिश सेक्शन वहाँ पे भी आता है, तो वहाँ पे भी आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी कि प्रीपोजिशन, सिनोनिम, टेंस एंड ब्लैक बुक से आप ये वो कैब जो है टॉप 200 वाली, ये यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, और PYQ से आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। देन बात आती है हिंदी की, मैंने हिंदी कैसे प्रिपेयर की थी, तो मैंने सचिन सर है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, अगर आप सीटेट एसटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सचिन सर अकेडमी है, सचिन अकेडमी है, वहाँ से उनका एक वीडियो है, 40 to 45 मिनट्स का ही है, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी 10th तक पढ़ के आते हैं, अब 10th के बाद वो PG करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब एचटेट वगैरह के एग्जाम देते हैं, तो हिंदी से वास्ता थोड़ा हट चुका होता है, इतना टच में वो नहीं होते हैं। सेम कंसेप्ट, सेम जो चीज़ थी वो मेरे साथ थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक 40 to 45 मिनट की ना वीडियो थी, एक मैराथन आप बोल सकते हो, जिसमें उन्होंने संज्ञा के थोड़े कंसेप्ट बता दिए थे, समास के थोड़े कंसेप्ट बता दिए थे, थोड़े जो ये मतलब जो भी मतलब मोस्ट रिपीटेड जो ये चीज़ें होती हैं, समास वगैरह है ना, और जो ये वर्ण और संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी चीज़ होती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, उनका इन्होंने क्रक्स बोल सकती हूँ निचोड़ दे दिया था इन 40-45 मिनट में ही। और मैंने सिर्फ वही वीडियो देखी थी जब मैंने सीटेट एग्जाम दिया था पिछले साल, तब भी मैंने वही वीडियो देखी थी, जब मैंने एसटेट दिया था तब भी मैंने वही वीडियो देखी थी, और मेरे क्वेश्चंस बन गए थे, ठीक है, इतने बन गए थे कि मेरे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो गया था, और पैराग्राफ नहीं आए उसके बावजूद भी मेरे इस पोर्शन से काफ़ी स्कोर, काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया था। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब अच्छे से करना चाहते हैं, तो या तो आप अचीवर्स अकेडमी बाय निशा मैम से, या फिर सचिन सर के यूट्यूब चैनल पे ही, और उनकी जो प्लेलिस्ट होगी ना हिंदी की, वो आप चेक कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, इतना अगर आप हिंदी TGT साइंस या TGT SST TGT मैथ ही दे रहे हैं, तो आपको इतना डीप में जाने की नीड नहीं है हिंदी के केस में, अगर आपके पास टाइम है तो जा सकते हैं, वरना हमें ना एक ऐसे प्रिपरेशन करनी होती है, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करें हम, ऐसा नहीं हो कि एचटेट एग्जाम में है 20 दिन और आप 10 दिन हिंदी पढ़ने में लग रहे हैं, जिसकी वेटेज ही इतनी है और आपको पता नहीं क्वेश्चन कहीं से बैठ सकते हैं। थोड़ा सेलेक्टिव होकर प्रिपरेशन करोगे तो वो बेटर आउटकम देगा। और ये चीज़ यहाँ पे थी। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको PYQ बेस्ड ग्रामर प्रिपरेशन बताई है, एंड ये ब्लैक बुक से आप वो कैब प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड हिंदी के लिए मैंने 40 to 45 मिनट, सचिन अकेडमी है,
आप सभी जानते भी होंगे, आप सर्च करेंगे तो आ भी जाएगा, तो वहाँ से चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज आपका रीजनिंग, मैथ एंड हरियाणा जीके। देखो हरियाणा जीके चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो चाहे हरियाणा जीके या सीए हो, इनकी वेटेज होती है 10-10 मार्क्स, ठीक है, ये इनकी वेटेज होती है। अब हरियाणा जीके बहुत वास्ट है, मतलब कि काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको यार, और करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी, और नंबर है सिर्फ 10, और ज़रूरी नहीं आप जो पढ़े वो आ भी जाए, है ना। तो थोड़ा मामला है कि हम इसको थोड़ा इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ेगी, राइट। मैंने जो चैनल फॉलो किया था वो क्या था, मैंने बिश्नोई, बिश्नोई करके एक चैनल है जो कि एच टैट की प्रिपरेशन कराते हैं, मतलब वो काफ़ी सारे पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जो वो DSSSB हो, एच टैट हो, EMRS हो, और जो भी हरियाणा के बेस्ड जो हरियाणा में जो एग्जाम्स निकलते हैं उनकी अपडेट नोटिफिकेशन वो देते रहते हैं। बिश्नोई एग्जाम, बिश्नोई चैनल उनके नाम है, आप सर्च कर सकते हैं कि बिश्नोई एच टैट जीके हरियाणा जीके ऐसे करके, वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो उनके आई थिंक 7 से 8 वीडियोज़ थी जो उन्होंने पिछले साल डाली थी हरियाणा जीके की, तो मैंने वही पढ़ी थी और वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई प्रॉपर बैच नहीं लेना आपको, कोई पूरी प्लेलिस्ट इतनी भर भर के नहीं देखनी आपको, इनकी ये प्लेलिस्ट देख लेनी है जिसमें 6 से 7 वीडियो ही होंगे। और देखो हरियाणा जीके, हरियाणा जीके ही रहेगी, चाहे आप आज पढ़ें, चाहे आप 2 साल पहले पढ़ते, चाहे आप कल पढ़ें, हाँ करंट अफेयर में डिफरेंस आता है लेकिन जीके तो सेम ही रहेगी। तो आप बिश्नोई ये चैनल है, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने जो कंटेंट है वो ये नहीं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपको प्रस्तुत किया है, लेकिन बहुत ही कंसाइज में प्रस्तुत किया है, मतलब कि कुछ इनके खुद के नोट्स हैं, कुछ उन्होंने बुक्स का स्क्रीनशॉट लेके उस वीडियो में लगाया है, ताकि छोटी से छोटी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये असेंबल कर सके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने किसी के भी नोट परचेज नहीं किए, मैंने हर टीचर के केस में यही किया है कि उनके वीडियोस देखे हैं, वीडियोस के स्क्रीनशॉट लिए हैं और स्क्रीनशॉट से PDF बनाया है। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतने स्क्रीनशॉट लेने में हाथ में दर्द हो गया होगा या फिर, तो एक ऐप आती है स्क्रीनशॉट टच करके, अगर आप एस्पायरेंट है तो आपके पास थोड़ी बहुत ही ऐप्स जो इंपॉर्टेंट है पता होनी चाहिए। उसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको इस जैसे स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन, वहाँ पे वो हो जाता है स्क्रीनशॉट, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर उन स्क्रीनशॉट का मैंने PDF बना लेती थी, बस मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिश्नोई जो चैनल है वहाँ से पढ़ेंगे हरियाणा जीके को। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ मैंने किया था टीचिंग गोल से, टीचिंग गोल चैनल जिसे मैंने CDP की थी उसी से मैंने मैथ किया था, और रीजनिंग इतनी हार्ड इतनी टफ नहीं आती है, कॉमन सेंस होगी। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं तो कॉमन सेंस होगी, और उस कॉमन सेंस के बेस पे रीजनिंग के सवाल निकल जाते हैं, ठीक है। इतना हार्ड एंड टफ नहीं आता। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो जैसे ABCD ऐसे करके, A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, तो कुछ एनालॉजी बना देंगे, ठीक है, कि अगर 2 is 22 सेम वे पाई का क्या होगा, तो ऐसे कुछ एनोलॉजी टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सीरीज आ जाएगी, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी, तो मतलब उसके लिए आप रीजनिंग मैराथन देख सकते हैं किसी भी टीचर का, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में करा रहे हों या फिर CGL की करा रहे हो, तो कोई भी रीजनिंग मैराथन आप देख लेंगे, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ कि आप कोर्स वगैरह लो, सिंपली किसी भी टीचर की मैराथन वीडियो देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैथ के लिए मैंने टीचिंग गोल्स चैनल को ही फॉलो किया था, इसमें मैम ने जो PYQ थे उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को करवा रखा था, और इस साल भी वो करा रही हैं, तो आप उनके चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मैथ के लिए इन चैनल को फॉलो किया था। प्रॉपर मैथ टीचर नहीं है वो, ठीक है, प्रॉपर मैथ करना भी नहीं है आपको, अगर आप सिर्फ एसटेटी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 10 मार्क्स की वेटेज है, जो भी इंपॉर्टेंट PYQ बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं एसटेटी एग्जाम में, वो कराती हैं और वो आपको कर लेंगे तो आपका अच्छे से वहाँ से स्कोर बन जाएगा, ठीक है। जीके के लिए मैंने बिश्नोई सर को फॉलो किया था, मैथ के लिए मैंने टीचिंग गोल्स किया था, एंड रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ सिंपली कोई मैराथन देखी थी और उससे मेरा काम बन गया था। आपको भी इतना ही करना है, मिनिमम सोर्स रखो और मैक्सिमम रिविजन करो। बाकी अगर आप किसी का पेड पैच ले लेते हैं तो आपको ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली सब वहाँ पे असेंबल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तो आई एम डैम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आप फिर आके बोलोगे कि हाँ मैम आपने ये बताया था और हमारे लिए चीज़ काम करी है, ठीक है। तो Part 3 को भी हमने डिस्कस कर लिया, अब बारी है Part 4 की, दैट इज सब्जेक्ट बेस्ड। ओके गाइज,
सब्जेक्ट बेस्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ये वीडियो साइंस के लिए ही मैं बना रही हूँ, तो अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट एनी डाउट आप बिश्नोई सर के चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। उनकी आपको वहाँ पे 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। पीजीटी साइंस में जो कंसेप्ट आते हैं वो 6 to 10th बेस्ड ही आते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 to 10th की, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता उन्हें, बोर हो जाते हैं, फिर बुक्स पढ़ते तो कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा बोरिंग सा रूटीन हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बुक से, और आपको पढ़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन बच्चों के लिए वीडियोज़ देखना एक अच्छा सोर्स हो सकता है। एंड वीडियोज़ मैंने वीडियो ही देखे थे, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं वीडियोस देखती हूँ और जो ये टीचर पढ़ा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि हर साल कैसे एग्जाम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मोशन चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं उस मोशन चैप्टर को बुक में से पढ़ रही हूँ, तो मैं पूरी रामकथा पढ़ूंगी और उस चैप्टर को मैं 2 दिन में फिनिश करती हूँ। लेकिन वही चैप्टर इन सर ने 1 घंटे में करा दिया, क्योंकि इनको पता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इस पार्ट पर ज़्यादा एम्फोसिस करना है, और वही इन्होंने किया, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ फॉलो की थी। इनकी बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंस के लिए। 8 से 10 वीडियो होंगी सारे तीनों प्लेलिस्ट में, मैंने वही प्लेलिस्ट देखी थी एंड इनके स्क्रीनशॉट लिए थे जो मैं बता रही हूँ, वही चीज़ मैंने हर केस में की थी, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के पढ़ना वहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब ना जैसे 6 to 10 आते हैं, कुछ कंसेप्ट 11, 12 के भी आ जाते हैं। तो जो कंसेप्ट 11, 12 के थे वो भी इन्होंने करा दिए थे, तो देखो मैंने तो इन्हीं को फॉलो किया था और मेरे लिए काम किया था वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चंस आए थे मुझे अच्छे से याद है, जो इन्होंने चैप्टर्स पढ़ाए थे, जो इन्होंने क्वेश्चंस कराए थे अपने वीडियोस में, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिले थे। फ्रिक्शन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन कराया था, वो डायरेक्ट देखने को मिला था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, किंग एनिमल प्लांट किंगडम से इन्होंने कराया था, वो क्वेश्चन मिले थे। मैंने सब्जेक्ट बेस्ड प्रिपरेशन इनसे की थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको एक बार ट्राई करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ आपके जो रिव्यूज़ हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप दिखना चाहते हैं, वो प्लीज़ पॉजिटिव नोट्स लिखना कमेंट सेक्शन में, वो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पीजीटी केमिस्ट्री के स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या कहाँ से मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा। और मैंने 15 डेज के अंदर ही दोनों एग्जाम की तैयारी की थी, पीजीटी साइंस एंड पीजीटी केमिस्ट्री, और मेरे दोनों एग्जाम क्लियर भी हुए थे। और ऐसा नहीं है कि मार्जिन से क्लियर हुए थे, 100 अबोव है मेरे पीजीटी केमिस्ट्री में, तो मतलब हाँ सही से सही एग्जाम सही मतलब सही मार्क्स बन गए थे। तो यही मिनिमल सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।